Today my lecture, sources of industrial finance in debt. व्यापार में के इंडस्ट्री को चलाने के लिए फाइनेंस का सोर्सेज क्या है, वित्त के सोर्सेज क्या है। बच्चों पिछले चैप्टर में वेंचर एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री स्टार्ट कैसे की जाती है, इंडस्ट्री स्टार्ट करने की क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या स्टेजेज हैं। आज ये फोर्थ यूनिट के लास्ट चैप्टर लास्ट फोर्थ यूनिट के लास्ट पॉइंट है कि सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, कि एक इंडस्ट्री को फाइनेंस की जरूरत कैसे पड़ती है और वो कैसे अपने फाइनेंस को रेस करता है और फाइनेंस कैसे उसके इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होता है। इस संदर्भ में हमने आप चार्ट के द्वारा देखो बता दी सोर्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस की टोटल फाइनेंस इंडस्ट्री में दो तरह से फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, एक तो फिक्स कैपिटल के रूप में और दूसरा वर्किंग कैपिटल के रूप में। तो डिस्टिंग्यूज बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, दोनों में अंतर क्या है। तो फिक्स कैपिटल तो वो कैपिटल है जो कि हमारे किसी इंडस्ट्री में लगाते ही वो फिक्स के रूप में काम करते, जब तक इंडस्ट्री चलती है तब तक वो फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व रहती है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, इसमें जो पैसा लगा वो फिक्स कैपिटल के रूप में लगा और वो जब तक इंडस्ट्री कंपनी आपकी चल रही है तब तक वो हाल में इसमें जो भी कैपिटल लगा वो फिक्स कैपिटल के रूप में। और दूसरा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वो है कि जो कंपनी इंडस्ट्री की बिजनेस में चल रही है और वर्क कर रही है, वो कैपिटल कैसे वर्क कर रही है, उस कैपिटल का वर्क करने से क्या रिटर्निंग आ रहा है, ये वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब आइए फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल आएगा कहां से, इसके क्या क्या स्रोत है। तो इसके रूप में पहले इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, चार तरह से हमारे फिक्स कैपिटल को इंक्रीज या फिक्स कैपिटल को लाने के तरीके हैं। पहला आता है इशू ऑफ शेयर, आप जानते हैं शेयर ये पार्ट ऑफ कैपिटल, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 1,00,000 रुपया हुआ, 1,00,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज 10,00,000 रुपया, यानी 10,00,000 के रुपए को 10-10 रुपए में डिवाइड किया गया, एक एक शेयर 10-10 का हुआ। तो इशू ऑफ शेयर, शेयर भी हाउ मेनी टाइप ऑफ शेयर, शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होते। तो हम जो पैसा लेते हैं तो इशू ऑफ शेयर के माध्यम से, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के माध्यम से पैसा हम लेते हैं पब्लिक से। पब्लिक इक्विटी के रूप में पैसा इन्वेस्ट करती है और प्रेफरेंस के रूप में इन्वेस्ट करती है। और इक्विटी को हम अपने इंडस्ट्री से क्या रिटर्न देते हैं, उसको मैं डिविडेंड देता हूं, प्रेफरेंस को भी डिविडेंड देता हूं। लेकिन ये दोनों में अंतर है, अंतर ये है कि इक्विटी ओनर होते हैं, प्रेफरेंस ओनर नहीं होते, कंपनी के मालिक प्रेफरेंस शेयर ओनर नहीं होते। जब कंपनी साउंड स्थिति में आती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देती है। यहां पर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर में, तो शेयर इक्विटी और प्रेफरेंस के माध्यम से हम पैसा ले लेते हैं पब्लिक से। दूसरा सोर्स क्या है पैसा लेने का, दूसरा सोर्स आता है इशू ऑफ डिबेंचर। अब हम डिबेंचर इशू कर देते हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए। डिबेंचर भी दो तरह के होते हैं, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, और बहुत से हैं, लेकिन अभी हम मुख्य रूप से केवल दो ही बात कर रहे हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो डिबेंचर को क्या मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है कंपनी से, तब तक इंटरेस्ट मिलता है जब तक डिबेंचर का रिडेम्पशन ना हो। तो डिस्टिंग्यूज बिटवीन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, दोनों में अंतर क्या है। कन्वर्टेबल डिबेंचर ये है कि 5 साल 10 साल के लिए कंपनी ने आपको डिबेंचर इशू किया, आफ्टर 10 ईयर आपके डिबेंचर को वो कन्वर्ट कर दी किसमें, शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ये है कि 5 साल 10 साल के लिए कंपनी ने पैसा पब्लिक से डिवेंचर के रूप में लिया और उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर दिया, तो आफ्टर 5 ईयर बाद, आफ्टर 10 ईयर बाद अपने डिवेंचर को रिडीम करेगी वो
अपने डिवेंचर को, जिस डिवेंचर होल्डर को पैसा वापस करके डिवेंचर को वापस ले लेगी, तो रिडीम कर दी डिवेंचर का पैसा दे के डिवेंचर वापस लेगी और तब तक इंटरेस्ट देती रहे। तो दूसरा सोर्स हमारे इशू आप डिवेंचर। लोन फ्रॉम स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जानते हैं कि एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं कि वो भी पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनके पास भी पैसा है तो उनको भी इन्वेस्ट करने के लिए कोई एक अच्छी इंडस्ट्री, अच्छी कंपनी की जरूरत है, क्योंकि उनका पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा तो उनको अर्न कहाँ होगा। तो ऐसी स्थिति में वो भी चाहते हैं कि हमें कोई एक अच्छी इंडस्ट्री चलाने वाला कंपनी आवे जो मेरे पैसे को लो। तो कंपनी भी ऐसे स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाती है जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है या कंसीडर योग्य रहता है कि इस रेट पे इंटरेस्ट सही है, तो वो स्पेसिफिक फ्रॉम स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लेती है। और चौथा जो पैसा रेस करने का है वो री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? कंपनी जब बिजनेस रन करती है, बिजनेस चला देती है, तो उसको प्रॉफिट आता है और कंपनी को मालूम है कि नहीं, हमारे बिजनेस को भी एक्सपेंड करना है, कुछ पैसा और जरूरत पड़ेगी नया प्लांट लगाने के लिए, नई मशीनरी लेने के लिए या नया गुड्स और स्टॉक खरीदने के लिए, तो अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा शेयर करके रिटेन कर लेती, रोक लेती है, जितना डिस्ट्रीब्यूट की डिविडेंड और कुछ उसी प्रॉफिट से रोक रहती है, उस पैसे को भी फिर यूज करती है कंपनी के डेवलपमेंट। तो ये हमारे फिक्स कैपिटल के चार पॉइंट हुए, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फॉर स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब दूसरी स्थिति आती है कि वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपने देखा कि रिटेनिंग अर्निंग, एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक क्रेडिट एंड इशू ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड। वर्किंग कैपिटल, उसके पहले थोड़ा वर्किंग कैपिटल के बारे में जाने कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल ऐसा नाम ही है कि जो वर्क करे, वो कैपिटल जो वर्क करे, जो इंडस्ट्री में कंपनी में जो कैपिटल काम कर रही है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल भी चार तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, वैल्यूएबल वर्किंग कैपिटल जिसको सीजनल वैल्यूएबल कैपिटल कहते हैं। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वो होता है जो टोटल हमारे वर्क में कंपनी के एक पर्टिकुलर करंट असेट्स के रूप में इन्वॉल्व हो। और दूसरा मतलब उसमें सारी वर्किंग कैपिटल जो ग्रॉस रूप में लगे हुए हैं, ग्रॉस रूप में। याद रखिए, दूसरा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। तो नेट वर्किंग कैपिटल में आज ऐसा क्लियर है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जो करंट एसेट्स हमारे होते हैं, करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? कैश, डेटर, स्टॉक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीव, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इससे जो करंट लायबिलिटी में जो खर्चे हैं जिसका पेमेंट करना है, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। ये जो हमारे करंट एसेट से करंट लायबिलिटी घटाने के बाद जो कैपिटल बचता है, ये नेट वर्किंग कैपिटल कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, कुछ वर्किंग कैपिटल परमानेंट लगे रहते हैं, स्टॉक कैश के रूप में उनको रखा नहीं देना है लेना, रोज कैश के रूप में इन्वॉल्व होते हैं, ये भी कुछ वर्किंग कैपिटल रोज के काम में कंटिन्यूअस काम में लगे। और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, कुछ वेरिएबल घटाते बढ़ाते रहते हैं, वेरिएबल जैसा कहा गया जिसको सीजन भी करते हैं, सीजन के हिसाब से उस वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। जैसे सीजन आ गया उलेन का, सीजन आ गया सुअर का, सीजन आ गया वीट का, राइस का, ऐसी सीजनों के हिसाब से अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाते घटाते रहते हैं। अब फिर ऊपर पॉइंट पहुंचते हैं, वर्किंग कैपिटल के स्रोत क्या? पांच बताए गए सोर्स। पहला है रिटेनिंग अर्निंग, वही प्रॉफिट जो वर्किंग कैपिटल के रूप में जो अर्निंग हो रही है उसको रिटेन करके उसको वर्किंग कैपिटल के रूप में लगाया गया। दूसरा एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, आप जानते हैं बहुत सी कंपनियां पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं। जनरली बहुत सी कंपनियां अगर गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% 9% है, तो ऐसी कंपनियां भी पब्लिक से
रेटिंग के आधार पे, क्रेडिट रेटिंग के आधार पे अपने इंस्टीट्यूशन को पब्लिक से डिपॉजिट लेती हैं, वो जनरली 3 साल से 5 साल के रूप में लेती हैं, वो कुछ गवर्नमेंट के रेट से कुछ परसेंट अधिक इंटरेस्ट पे पब्लिक डिपॉजिट लेती हैं। तो वो चूंकि शॉर्ट पीरियड के लेती है 2 साल 3 साल के लिए, तो वे एक्सेप्टिव पब्लिक डिपॉजिट के रूप में कैश को लेती है, सोर्स से लेती है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोन ले लेते हैं जरूरत पड़ने पे, जो कि पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। और बैंक क्रेडिट, आप जानते हैं कि बिजनेस वालों के लिए बैंक से संबंध रखना और बैंक से रिलेटेड जरूर रखते हैं, तो बैंक भी उनको ओडी देती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए, इतना दिन बाद जरूरत है, कल 2 दिन बाद पेमेंट उनको आ जाएगा, वो पेमेंट डिपॉजिट कर देंगे। तो बैंक भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसे इंडस्ट्री को ओडी सेंक्शन करती है, तो ओडी के माध्यम से हम वर्किंग कैपिटल के फंड रेज करते हैं। और इशू ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड, कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए बॉन्ड और डिबेंचर भी वर्किंग कैपिटल के लिए मैं जरूरत पड़ने पर इशू करता हूँ, और इस तरह हम अपने वर्किंग कैपिटल के लिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की व्यवस्था करता हूँ। ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए जो सोर्सेस हैं, जिसमें फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के रूप में मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एक्सप्लेन द डिटेल। अब आपको कुछ लिखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री के बारे में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री में ह्यूमन बॉडी में इम्पॉर्टेंट है ब्लड का, उसी तरह इंडस्ट्री में भी इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस का। और फाइनेंस के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री बनती है तो दूसरा स्टेज के बाद तीसरा स्टेज कैपिटल, सब्सक्रिप्शन या फाइनेंस की ही बात आती है। तो फाइनेंस के कहाँ से रेस करेंगे, कैसे लेंगे, और फाइनेंस कैसे इन्वॉल्व होगा, फिक्स कैपिटल ग्रुप में कैसे इन्वॉल्व होगा, वर्किंग कैपिटल ग्रुप में कैसे इन्वॉल्व होगा, तो मैंने चार्ट के माध्यम से आपको बताया। और इस माध्यम से आप ये सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस का क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में आपको 5वें यूनिट में मैं ले चलूंगा, जिसमें मर्जर आएगा, विशेषकर बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये मर्जर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस पे देंगे। ओके, थैंक यू।